हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटोरोला G84 फ़ोन है, तो मोटोरोला G84 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा वार्निंग की लिमिट है, तो डाटा वार्निंग की लिमिट को आप कैसे सेट कर सकते हैं मोटो G18 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। जैसे जो हमारा G84 फ़ोन है, तो उसका आप कैसे उसमें डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, बने जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। तो मोटोरोला G84 फ़ोन में कैसे आप डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर सकते हैं, सिंपली आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सर्चिंग का, देख सकते हैं आप। तो आपको सर्च करना है, डाटा वार्निंग लिमिट, डाटा वार्निंग। तो डाटा वार्निंग आप सर्च करते हैं तो डाटा वार्निंग की लिमिट सेटिंग्स आ जाएगी। इसके ज़रिए आप वार्निंग लिमिट को सेट कर सकते हैं, सिंपली आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर लिमिट को सेट कर पाएंगे। पर हमारे पास ये ऑप्शन ओपन नहीं है इस टाइम, क्योंकि हमारे फ़ोन अभी सिम कार्ड नहीं है। तो जैसे आप इसमें सिम कार्ड वगैरह डालते हैं तो यहाँ से आप डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर सकते हैं, जो भी आप लिमिट सेट करना चाहें। और यहाँ से डाटा सेट इसको ऑन करते हैं तो इसके जरिए ऑन ऑफ करके अपने डाटा लिमिट को रीसेट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल यूसेज साइकिल, यानी जो भी साइकिल रीसेट डेट है इसको रीसेट कर सकते हैं। या फिर डाटा लिमिट सेट करना चाहें तो यहाँ से करते हैं, नीचे डाटा लिमिट का ऑप्शन भी शो हो रहा है, यानी सेट डाटा लिमिट ऑप्शन, इसको ऑन करके आप डाटा लिमिट यहाँ से सेट कर पाएंगे, इसका आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर सकते हैं मोटो G84 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।